हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ प्रिशा का शॉपिंग हॉल वीडियो। तो मेरी बेबी 7 मंथ की है, हमने कुछ एक चीज़ें उसके लिए ली है और कुछ एक चीज़ें उसे अन्नप्राशन में मिली है। अगर अन्नप्राशन का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी इसका लिंक, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। बच्चे के लिए जितना भी चीज़ें लो कम ही लगता है यार, तो उसकी नानी दादी को बहुत सारे लोगों ने उसे कुछ कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड प्रिशा इज सिटिंग राइट हियर, सी। तो इसने जो ड्रेस पहना है ये भी इसको गिफ्ट मिला है, इसकी दादी लेके आई थी। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉक, तो ये वाइट और पिंक कलर का है। लेट मी शो यू, सो दिस इज हाउ इट लुक। मैं फुल पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी और अभी ये खेलने के मूड में है, तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर नए हो तो, और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। एंड या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्टली हम लेकर के आए हैं ये वॉकर प्रिशा के लिए, खड़ी होना स्टार्ट कर दिया उसने, तो हमें ये वॉकर लेकर के आए हैं। तो ये पिंक और वाइट कलर का है, बहुत ही प्रिटी सा कलर है। तो ये यहाँ से लाइट वगैरह चलती है, यहाँ से आवाज़ें आती है ये बटन से, और ये अगर ये वाला पिंक वाला हटा दोगे तो ये फिटिंग एरिया उसका बन जाता है। तो अभी प्रिशा के लिए थोड़ा सा बड़ा है तो इसलिए हमने ये जुगाड़ लगाया है, यहाँ पे सेलो टेप लगा दिया है, तो उस पर वो आराम से खड़े हो जा रही है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो काफी अच्छा है, लोकल शॉप से इसे लेकर के आए हैं। कोई कंपनी का नाम मत पूछना यार, लिखा हुआ नहीं है इसमें, सिर्फ हैप्पी लिखा हुआ है, तो आई डोंट नो कौन सी कंपनी का है। वैसे चाइनीज प्रोडक्ट ही है, तो ये वाला फर्स्ट बाय है। ओके, तो फर्स्टली ये ड्रेस है, ये इसका टॉप है और ये स्कर्ट है। ये भी प्रिशा ने अन्नप्राशन में पहना था, ये वाला ड्रेस उसकी दादी लेकर के आई थी, ये भी काफी प्रिटी है, बट अभी उसे थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट ड्रेस। नेक्स्ट है ये जैकेट, तो काफी प्रिटी व्हाइट कलर का जैकेट है, कोई भी ड्रेस के ऊपर आप इसे बच्चे को पहना सकते हो, काफी सॉफ्ट है। तो ये H&M का है, ये भी अभी प्रिशा को थोड़ा सा बड़ा है बट अच्छा लगता है। तो ये थोड़ी सी ठंडी हो तो आप इस टाइप के जैकेट बच्चे को पहना सकते हो। तो ये स्कर्ट काफी स्पेशल है बिकॉज प्रिशा की दादी ने बनाया है 2 दिन में, तो काफी प्रिटी सा है, 2 लेयरिंग है देख सकते हो, प्रिशा की दादी काफी ज्यादा क्रिएटिव है। नेक्स्ट है ये सेट पिंक कलर का, थोड़ी सी ठंडी के लिए काफी अच्छा है। बैंगलोर में तो इतनी ठंडी है नहीं, बट प्रिशा ने वहां पे नागपुर में पहना था, बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट मटेरियल है इसका भी काफी। नेक्स्ट ये सिंपल सा फ्रॉक, काफी अच्छा है अभी बैंगलोर की गर्मी के लिए, तो काफी अच्छा है, बैंगलोर में काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो व्हाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, थोड़ा सा ब्लू और ग्रीन कलर में है। तो ये वाला ड्रेस भी प्रिशा पहन चुकी है, इसका फोटो मैं इंसर्ट कर दूंगी। नेक्स्ट है ये वाला सेट, ये भी प्रिशा ने पहन लिया है, थोड़ा ये उसका टॉप है और ये बॉटम है। तो ये ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं गर्मी के लिए, प्लस इसे पहनाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इसमें डोरी होती है, तो ये वाले ड्रेसेस बच्चे बहुत ईजिली पहन लेते हैं। नेक्स्ट है ये नाइट सूट का सेट, तो ये भी काफ़ी अच्छा है रात में पहना के बच्चे को सुलाने के लिए, मेनली जो भी मैं उसको उड़ाती हूँ वो फेंक देती है, तो अगर इस टाइप के बच्चे को आप अगर कपड़े पहनाओगे तो थोड़े तो बच्चे रहते हैं क्योंकि ताकि थोड़ा सा वार्म फील हो, तो इस टाइप के यू नो नाइट सूट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉटन मटेरियल है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा परचेज है। नेक्स्ट है ये ग्रीन कलर का सेट, तो ये इसका टॉप है, ये भी फुल स्लीव्स है और इसका पैंट है, ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी उसके लिए है, ये 1 साल के बच्चे के लिए है, तो प्रिशा को थोड़ा सा बड़ा आ रहा है इसलिए मैंने अभी उसको पहनाया नहीं है। तो ये है नेक्स्ट परचेज। उसके बाद है ये लाइट पिंक कह सकते हो उसका सेट है, टॉनिक कॉलर है, ये उसका पैंट है, इसमें काफी सारे प्रिंट्स है, ये भी अच्छा है, थोड़े से बड़े बच्चे के लिए है, प्रिशा जब 1 साल की हो जाएगी तभी उसे यूज में आएगा। ये है येलो कलर का फुल स्लीव्स का टी शर्ट, ये इसका डंगरी है, ये भी थोड़ा सा बड़ा आ रहा है प्रिशा को, तो नेक्स्ट है ये। देन ये है इसका क्यूट सा सूज, काफी प्यारा लगा मुझे, बहुत ही प्रिटी है, ये प्रिशा की नानी लेकर के आई थी, तो काफी अच्छा है, पिंक कलर का है, तो मोस्टली उसके सारे ड्रेसेस में मैच हो जाता है एज यू कैन सी। तो इसमें नीचे में इस टाइप का है, बट अभी प्रिशा चलती तो नहीं है लेकिन काफी अच्छा लगता है, काफी क्यूट सा लगता है ये शूज उसका। और प्रिशा को काफी सारे कंगन मिले थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फर्स्टली ये वाले कंगन है, तो ये भी थोड़े से बड़े हैं, 1 साल के बच्चे के लिए है, ब्लैक कलर का है और इसमें आगे में ऐसे डिजाइन बने हुए हैं। फर्स्ट वन है ये वाला, तो ये भी उसकी नानी ने दिया था उसे, अगर आपने अन्नप्राशन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा उसने ये वाला कंगन मिला है उसे। तो नेक्स्ट ये वाला कंगन मिला है प्रिशा को, तो थोड़ा सा मोटा है और ये ऐसे वाले डिजाइन है।
नेक्स्ट ये वाले हैं तो ये एडजस्टेबल है, यहाँ से ऐसे एडजस्ट हो जाता है, बट ये थोड़े से शार्प है इसलिए मैंने प्रिशा को अभी नहीं पहना सकती हूँ क्योंकि अभी इसे परफेक्ट आ रहा है, बट थोड़ा सा इसमें यू नो प्रॉब्लम है इसलिए मैंने नहीं पहनाया है। तो आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।